राजस्थान में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है और इसके साथ ही प्रदेश में बारिश के आसार भी कम हो गए हैं। लेकिन रुकिए, यह केवल शाम से पहले का तूफान है। 22 अगस्त से एक बार फिर से मानसून जोर पकड़ने वाला है और इसका असर खास तौर पर कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में देखने को मिलेगा। क्या आप तैयार हैं उस बरसात के लिए जो पूरे प्रदेश में हलचल मचाने वाली है? मौसम विभाग ने 22 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। सावधान रहें क्योंकि आने वाले दिनों में इन इलाकों में जल जमाव और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। सोमवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश जरूर हुई, लेकिन ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहा। राजधानी जयपुर में भी सुबह से ही सूरज की किरणों ने अपना जलवा दिखाया, लेकिन दोपहर होते होते अचानक मौसम ने करवट बदली। सिविल लाइन्स, टोंक रोड जैसे क्षेत्रों में 15 से 20 मिनट की तेज बारिश ने सभी को हैरान कर दिया। नाथद्वारा में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 58 mm बारिश दर्ज की गई, लेकिन प्रदेश के बाकी हिस्सों में बारिश का दौर थमने के बाद तापमान फिर से 4 से 5 डिग्री बढ़ गया है। जयपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 26.2 डिग्री दर्ज किया गया। इस मानसून सीजन में अब तक राजस्थान में 471.8 mm बारिश हो चुकी है, जो औसत से करीब 49% ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बारिश आपके लिए राहत लेकर आई है, या फिर बढ़ी हुई उमस और तापमान ने और भी मुश्किलें पैदा कर दी हैं? तो क्या आप तैयार हैं राजस्थान के बदलते मौसम का सामना करने के लिए? जानिए आगे क्या होने वाला है और किन जिलों में बारिश से बचने के लिए सतर्क रहना होगा। लोकल 18 के लिए जयपुर से काजल मनोहर की रिपोर्ट।